भैया ये जैसे भी हो ये मामला शांत हो, मामला किसी तरह से जल्दी शांत नहीं होगा, उन लोगों को चिढ़ मचा हुआ है। ये इन लोगों ने इतनी नाक में दम कर रखी है ना कि मैं बता नहीं सकती तेरे को, कभी उसकी माँ कभी वो, अरे मैं ये सोचती हूँ आज तो तेरे बाप पे क्या तेरे पूरे परिवार तक पे चली गई, क्या ऐसे होंगे घर के वैसे होंगे। कितनी देर में आएगा इतना, क्या हो गया आज तुम दोनों की वजह से, मेरे को पता है क्या, मेरे गले में यूं फंदा लगा के गई है, कह रही है तुम्हें तो फार्म मार देना चाहिए। मैं बताती हूँ समर को, आज मेरा गला दबा के गई है, मैं बुलवाती हूँ इसको, इसकी वजह से मेरे को क्या क्या सुननी पड़ रही है, जहाँ जिसकी इसकी बातों में इसकी हाँ में हाँ मिलाती हूँ उतना ही मेरा नाक में दम कर रखा है। समर हाँ तू इधर आ पार्क में, आज देख ले कितनी हिम्मत होगी तेरी वजह से उसकी, है मेरा गला दबा के जा रही है, यूँ कह रही है मैं तुम्हें देख लूँगी अपने मामा के साथ, है तू कहाँ है रंगरलिया मना रहा है, तू कहाँ है तू गुनगुन के साथ में, तू मेरे पास आ जा पार्क में बैठी हूँ मैं, आ तू यहीं। दिमाग खराब कर रखा है, आज इतनी हिम्मत होगी इसकी वजह से, कभी कोई उंगली नहीं उठाता था मेरे को, इसकी वजह से कितनी सुननी पड़ रही है, आज मेरे घर परिवार तक पे बोल रहे हैं लोग बाग, इतनी पता नहीं कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा इतना, क्या हो गया आज तुम दोनों की वजह से, मेरे को पता है क्या, मेरे गले में यूं फंदा लगा के गई है, कह रही है तुम्हें तो फार्म मार देना चाहिए, तुम्हारी जैसी माँ हो तो, हैं कह रहे तुम्हारा लड़का रंग रलिया मना रहा है, इतनी ऐसी तैसी मराते हो तुम, और कहीं करना है तो तुम मैं छूट दे रखे, तुम कहीं और पार्क में चले जाओ। पागल हो, घर से क्यों आ गया, घर से क्यों आ गए, कॉल करेगी आप यहाँ पे। अरे मैं ये सोचती हूँ भैया ये जैसे भी हो ये मामला शांत हो, किसी तरह से जल्दी शांत नहीं होगा, उन लोगों को चिढ़ मचा हुआ है, ये इन लोगों ने इतनी नाक में दम कर रखी है ना कि मैं बता नहीं सकती तेरे को, कभी उसकी माँ कभी वो, अरे मैं ये सोचती हूँ आज तो तेरे बाप पे क्या तेरे पूरे परिवार तक पे चली गई, क्या ऐसे होंगे घर के वैसे होंगे, अपनी गिरबान में नहीं झांक के देखती, मर तो तू भी रही थी पहले, प्यार तो तुझे भी था, गुनगुन से शादी हो गई थी, है जब प्यार नहीं था तो तूने हाँ ही कैसे भर दी, मैं किसी और गली की लड़की को ना बुला के कह दूं शादी कर ले। मम्मी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था, हम लोग रील्स बनाने के लिए अगर पार्क में आ रहे हैं तो इनको पता नहीं किस बात का, इनके बाप का पार्क है क्या? लिपटा चिपटी, अरे तू कर लेती ना लिपटा चिपटी, आज ये नौबत तो नहीं आती, तेरी माँ आती है तो गिरवान पकड़ेगी, तू आएगी तो थप्पड़ मारना शुरू कर देगी, साले तुम लोगों ने बिल्कुल ही वो करके धर दिया है। देखो सिंपल सी बात है, हम दोनों यहाँ पे आए हुए थे, आगे उधर कोर्ट है, किसी वकील ने मुझे टाइम दिया था कि मिलके बात करेंगे, क्योंकि ये लोग झूठा नोटिस वोटिस इधर उधर तो कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बात करने आए, वो बोला टाइम है, तो हम लोग आ गए यहाँ पे, और यकीन इन लोगों को भाई है ना, प्रूफ दिखाओ। इतनी आफत कर रखी है, अरे जब तुम्हारा कोर्ट में केस चल रहा है तो शांति से बैठो, इनके पता नहीं क्या आग लगी पड़ी है, क्या चाहते हैं पता नहीं, किसी को मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा भाई, ये हाल कर रखा है इन्होंने, बीच में ये लोग घुस के इंटरफेयर करते हैं, इनको 50 बार बता दिया कि भाई शूट चल रहा है, इनको रोटी भी हजम नहीं होती है, इनको ये भी ये नहीं हो रहा, अपने घर में बैठ के कहा तुमने केस कर तो दिया, तुम क्या से क्या हालत करोगे, फिर भी समझ नहीं आ रहा चाहते क्या है, जब एक आध मरमरा जाएगा जब इनको शांति मिलेगी। घंटे पहले की बात है, हम दोनों को यहाँ पे आके डिस्टर्ब किया, हम दोनों छोड़ के चले गए, हमने बोला भाई तुम बकवास करो जो करना करो, मैं उस वकील से पूछ रहा हूँ कि भाई तुम वकील हो या इसके मामा हो, को एक बन के बात करोगे ना, नहीं मैं दोनों हूँ। दोनों का मतलब क्या, तू इतना वेला बैठा है वकील किस बात का, फिर वकीलों को तो फुर्सत नहीं होती, मामा है तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी समर ऐसे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और मान तू मान इतने जो आज के टाइम में होशियारी कर रहे हैं कुछ ना कुछ राधिका के भी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही होगी, तेरी समझ नहीं आ रही, ये लोग तुझे दबाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, इनके ऊपर नजर रखते हैं सबके ऊपर, ये अब मुझे है ना इसकी राधिका की माँ की तरह बनना पड़ेगा कि नजर रखनी पड़ेगी कहाँ क्या हो रहा कहाँ जा रही है, बस क्योंकि मैं हूँ नहीं ना ऐसी। देखो, पहली बात तो ये देखो, जब इंसान को एक ऑप्शन मिलता है ना, जब ये सब ड्रामा करती, पहले भी तो हुआ था कि गुनगुन आके रही थी जब ध्रुव से इसका लड़ाई हो गया था, तो उस बीच में तो राधिका भाग के नहीं गई, अब क्यों जा रही है भाग के, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग चल रहा है कहीं, कुछ ना कुछ होगा इनकी, और यहाँ से पैसा बटोरने की साजिश होगी भाई, चाहे माने चाहे मत माने, कि यहाँ से भी दबोचूं और मौज में रहूंगी, फिर तो पैसा फ्री के आ रहा है क्या, तो वो तो आजकल तो रूल बना हुआ है ना, ये तो रूल्स ऐसे चलेगा, कोर्ट ये नहीं देखती क्या आजकल तो दोनों की देखती है ना कमजोरियां, पहले तो लड़की का दबाव ज्यादा रहता था ना, आजकल तो कोर्ट में ये भी अगर माँ बाप को नहीं रखोगे तो बहू को निकाल सकते हो तुम, तो वही तो नहीं समझ में आ रहा है,
ये अपना चर 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 ये मामा ज्यादा चौड़ा हो रहा है। जब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी माँ को मेरी बीवी खाना टाइम पे नहीं देती है, मेरी माँ से बदतमीजी करती है, वो तो उसका कोई इनके पास जवाब नहीं होता, तब कहती है तुम्हारी माँ गलत है। हाँ, हर जगह तू गलत है, हर जगह हम गलत है। आज के टाइम में क्या हो गया, आपत्ति हो गया, लड़के को खरीद लिया है, बीबी एक ना नकेल यहाँ पे लगा दे और एकदम ऐसे चलते रहो, ना माँ की सुनो, ना बाप का सुनो, ना इन्हीं की जी हुजूरी करते रहो, बस इन्हीं का करो, ससुराल वाले इन्हीं की गुलामी करो। अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर पति क्यों शादी क्यों किया? एक बात बता, जब ये भी पता है काम तू नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से क्या करेगा? स्टार्टिंग में नहीं पता था कि मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ, फिर इनके इनके क्या बोलूं, इनके बम में ना खुजली है, खुजली। जब पता था कि सोशल मीडिया पे बंदा काम कर रहा है, फिर तुम शादी कर लो और फिर उसके काम को तुम ये करो, ताने कहां आजकल की लड़की, आजकल की बनती है, कहां पढ़ी लिखी गवार है क्या? आजकल इतना सब कुछ चल रहा है, क्या कर लोगे तुम? मेरे से बहस कर रही उल्टा मुझे बोले, मैं बोला ना कि अगर ऐसे ही हो ना, सबकी बीबी आके शॉर्ट चल रहा हो और बीच में पकड़ ले, तो आज जो है ना शाहरुख खान शाहरुख खान नहीं होता, सलमान खान सलमान, तो बोले तुम कहां के शाहरुख खान हो, ये क्या तरीका होता है? तुम जैसी बनने नहीं देंगे ना फिर, अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा हो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे तो तुम जैसे तो वैसे ही ना बनने देंगी, तुम्हारा तो हाल ही यही है। चिपकते नहीं है, मैं बोला क्यों नहीं चिपकते हैं, सॉन्ग शूट होता है 1,00,000 मरतबा लड़की से चिपकते हैं। जब तुम्हें पता नहीं थी, नहीं है पसंद तो सीधा सीधा बोलो, शूट करो भाई, जब दूर दूर खड़े होकर के शूट होगा तो क्या शूट होगा? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। जब मैंने कह रही तुम दूसरी बहुली आई है, अरे तू बीबी का सुख देना, दूसरी तीसरी की जरूरत क्या पड़ेगी, तू मिलके रहे, तू आराम से बात कर। हमेशा चरचराती रहती है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। जब जहाँ पे प्यार नहीं होगा तो किस बात का, फिर क्या आदमी क्या करेगा? मेरे से एक गलती होगी जो मैंने इसके उस टाइम पे हाथ जोड़ लिए कि चल कर ले तू शादी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में थी, तभी तो इसने भी हाँ करी थी। एक बात बता, कुछ जबरदस्ती तो मैंने नहीं कराई थी, इसकी आंखों पे पट्टी बांध के बिठा दिया था मैंने तेरे साथ में कि शादी कर ले। उसको पता था मैं इसकी वाइफ हूं, तब भी फिर भी तो जब तक तो डिवोर्स भी नहीं हुआ था, डिवोर्स भी कितने बाद में हुआ है। सही बात है, वो तो बहुत बाद में हुआ है। इन लोगों का ड्रामा है, इन लोगों का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। अब तो देख क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, नहीं होता है ना तो वो जो फ्लैट है ना सारा, इनको जो लालच जो घुसा हुआ है दो दो फ्लैट का, सारा फ्लैट बेच के और शहर खाली कर छोड़ के चला जाऊंगा, लेते रहना बाबा जी का ठुल्लू। बस मैं खाली क्यों बेच के मेरे नहीं 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 नाम मेरे करना, तू माँ के नाम हो तो ले ले, कोई सा भी ले ले। हाँ ये करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, माँ के नाम करना फिर ले ले कोई सा भी, मैं बेदखल करूंगी, तेरे को नहीं है तू मेरा लड़का, अब ले ले तू, अब ले लो, अब ले ले तू, ज्यादा इनके अंदर है ना, अब ले ले तू। मैंने गलती किया, मुझे अपने नाम से फ्लैट लेना नहीं चाहिए था। अभी कुछ नहीं बिगड़ा भाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और ये वाले फ्लैट को आपके नाम करके और उसमें ताला लगा के इस वाले फ्लैट में चलते हैं, या नहीं तो दोनों को रेंट पे लगा के कहीं और फ्लैट लेके रहते हैं। बस और क्या है ही नहीं, बस इनको करना ही पड़ेगा ऐसे। ये हमें सीख दे रहे हैं जहां हम इनसे नरमी से बात कर रहे हैं ना कि नहीं ये काम ऐसे हो जाए, ये हमें सर पे चढ़े जा रहे हैं हमारे। गला दबा रही थी, उठा के पटक देती ना, क्या पटक, मामा भी तो साथ में था, वही वाली बात है ना कि मैं अकेली पड़ गई। तो मामा क्या कर रहा था, मामा को दिमाग नहीं था कि आ रही है सिफारिश लेकर, तू मामा को कभी माँ को लेके आ रही है, कभी मामा को लेके आ रही है, कभी किसी को लेके आएगी तू, है तू सही है तो तेरे अंदर दम नहीं है, अकेली आना फिर इतनी बात है तो काम करते हैं। उसके खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं कि मेरी माँ का गला दबाने की मारने की कोशिश की गई, कर ले चल कुछ भी होता है। हाँ, लेकिन चलो हाँ, मैं आपको जान का खतरा, मैं ये सब लिखवाता हूँ, ये बहुत बन